हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई। तो पहले मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया था, उसके बाद मैंने उसमें राई डाली। राई डालने के बाद फिर मैंने उसमें कटा हुआ प्याज डाला। प्याज डालने के बाद फिर मैंने उसमें टमाटर डाला। टमाटर और प्याज जब अच्छी तरीके से भुन जाएं तो आपको फिर उसमें हल्दी डालनी है तेल में। तेल में हल्दी डालने के बाद फिर आपको वो अच्छी तरह से भूननी है, क्योंकि अगर नहीं भूनी तो फिर उसमें हरान जैसी आएगी। तो अच्छी तरीके से हल्दी भुन जाए फिर हमें उसमें ऐड करनी है मिर्च। मिर्च हल्की रखनी है, सेवइयाँ ज़्यादा मिर्च नहीं मांगती हैं। और फिर उसके बाद हमें डालना है इसमें नमक। नमक भी अपना स्वाद अनुसार डालें, ज़्यादा न डालें, क्योंकि आपको सेवइयाँ बनानी है। फिर उसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। जैसे ये भुन जाए उसके बाद हमें उसमें डालना है पानी। पानी डालें अपने हिसाब से, आप कितना बना रहे हैं सेवई। तो पानी डालने के बाद देखो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के इसे मैं चलाऊंगी। चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं उबाल आने दूंगी पानी में। जैसे ही ये पानी गर्म होता है फिर मैं उसमें डालूंगी सेवई। देखो ये पानी गर्म हो चुका है, अब मैं डालूंगी उसमें सेवई। सेवई डल गई। तो आप अपने हिसाब से बनाएं, ज्यादा थोड़ी कितनी बनानी, मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। तो आप एक बार घर में जरूर ट्राई करके देखना, आपको सेम मैगी जैसा स्वाद आएगा। आप मैगी लाना बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल मैगी लगेगी जैसे मैगी खा रहे हैं आप जरूर बना के देखना। अब देखो मैं इन्हें हल्का सा ढक दूंगी। ढकने के बाद में हम इसे थोड़ी देर बनने देंगे, 5-10 मिनट के अंदर बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें। देखो अब ये हल्की सी मेरी गाढ़ी सी हो चुकी हैं। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद में और चलाऊंगी, मेरी सेवइयाँ बन चुकी हैं ये मान लो। थोड़ा ऐसे मैं और चलाऊंगी। चलाने के बाद फिर देखना आपको कैसी दिखती है। देखने में ऐसा लगेगा जैसे मैगी बनाई है, बिल्कुल मैगी लगेगी देखने में, और खाने में भी टेस्ट मैगी जैसा होगा। ये देखो शाम को चाय के साथ मेरी तैयार हो चुकी है सेवई। आप लोग भी आ जाओ, नाश्ता कर लो और देखना, जरूर बना के ट्राई करके देखना। मेरी चाय तैयार हो चुकी है। चाय के साथ मैंने पापड़ भी रखे हैं, ये पापड़ भी मैंने घर पे बनाए थे। और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।